राजगढ़ जिला मुख्यालय से निकलने वाले हाईवे पर अनियमितताओं को लेकर विधायक ने एमपीआरडीसी के जीएम को फटकार लगाई। ब्यावरा से राजस्थान सीमा भोजपुर तक हुए NH-52 के कार्य की डीपीआर गायब होने पर राजगढ़ विधायक बापू सिंह तरवर ने एमपीआरडीसी के जीएम से कहा कि बिना डीपीआर और स्टेटमेंट के करोड़ों रुपए का कार्य केस कर दिया गया। जानकारी के अनुसार विधायक ने कहा कि इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे। राजगढ़ जिले की सीमा में बने एनएच नगर के बाईपास की नालियों की मरम्मत, प्रतीक्षालय की मरम्मत, डिवाइडर का पौधारोपण, लाइटिंग का कार्य, खंभों को शिफ्ट करने का कार्य और बाईपास पर पड़े बोल्डर व पत्थर हटाने का कार्य एवं बाईपास और हाईवे पर छूटे हुए कार्य को पूरा करने 3 दिन में कार्य शुरू करेंगे, अन्यथा टोल नाका बंद होगा। ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो बगैर डीपीआर बगैर एस्टीमेट के काम कर देते हैं, तो आप भी करा लीजिए कुछ काम जो कराना चाहे, जिसका अता पता नहीं है बगैर उसके, साहब हम ये साहब वो, अरे साहब बात नहीं, काम करो। सही बात तो ये है, काम हो नहीं रहा है, जनता परेशान हो रही, दुर्घटनाग्रस्त हो रही। आप जाइए डीपीआर लेकर आइए, फिर बात करेंगे। फिर भी मेरा दायित्व था, मैंने कहा कि आप एक बार काम देख लीजिए, मैं बात को बनाना चाहता हूँ, बिगाड़ना नहीं चाहता। एक एमएलए को ये बोला जाता है कि इसकी तो डीपीआर ही नहीं है, तो मैंने इनसे कहा बगैर डीपीआर के काम कैसे हो गया? बिना डीपीआर, बिना एस्टीमेट, बिना किसी कागज के इतना बड़ा काम, मेरे ख्याल से 400-500 करोड़ का काम होगा। 400-500 करोड़ का काम जो एग्रीमेंट होता है ना, बगैर डीपीआर के, बगैर कागज के, सर एग्रीमेंट में इसे शुरू धरातल पे हो जाए, करना पड़ता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है।